हेलो दोस्तों, आपका अपनी रेल यात्रा में स्वागत है। मैं भाविक, आज हम जर्नी करने वाले हैं वापी से उज्जैन जंक्शन तक, जो कि ट्रेन नंबर है 12961 अवंतिका एक्सप्रेस, जो कि मुंबई सेंट्रल से लेके इंदौर जंक्शन तक चलती है। हेलो गाइस, अभी हम हैं वापी रेलवे स्टेशन पे, जो कि हमारे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन नंबर है 12961 अवंतिका एक्सप्रेस, जो कि आज हम जर्नी करने वाले हैं वापी से उज्जैन जंक्शन तक की। चलो अभी मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ। ये मेरे मामा है। हाय मामा। इस चैनल के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? चैनल के लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पर मतलब मैं भाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू मामा। ओके। और आज ये अभी मेरे मासी के लड़के हैं, बड़े भाई विराज भाई। हेलो गाइस, आप कुछ बोलना चाहोगे चैनल के बारे में? मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अच्छे से कमेंट मारिए। थैंक यू विराज भाई। अभी मैं अपने छोटे भाई से मिलाना जा रहा हूँ। ये है मेरा छोटा भाई ध्रुव। हेलो फ्रेंड्स। और चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, प्लीज मेरे भाई को सपोर्ट कर दिए, क्योंकि वही ट्रेन का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से देते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट भी कर देना। थैंक यू ध्रुव भाई। उज्जैन पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। चलो अभी हम आपसे महाकालेश्वर मंदिर पे ही मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने, और श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हम उज्जैन के ही जो प्रसिद्ध अलग अलग स्थल है वहाँ पे भी दर्शन करने जाने वाले है। और अगर हो सके तो मैं आपको भी वहाँ के वीडियोस और फोटोज बताने की कोशिश करूँगा। We'll be right back.
श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हमने भरतारी गुफा, राजा भरतारी जी की गुफा, गुफा में दर्शन करने के बाद अभी आए हैं कट कालिका गुफा। इसके विषय में और इसके विषय में अंकल आपसे पूरी डिटेल साझा करेंगे। जिस जगह पे भी आप आए हो, जगह के नाम अविंतिकापुरी है, सतपुरी में अविंतिकापुरी इसको बोलते हैं। अविंतिकापुरी वो जगह है जो यहाँ पर है, गढ़कालिका उज्जैनी काली माँ कहलाती है, जो बाबा महाकाल की पटरानी भी कहलाती है, और कभी कालिदास को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए गढ़ होने का इनको गढ़कालिका बोला गया। ये उज्जैन को गढ़कालिका, पुरानी अविंतिकापुरी बोला जाता है, वो शक्तिपीठों में आता है, इसलिए यहाँ पर यात्री बाहर का बहुत आता है। हेलो गाइस, अभी हमने गढ़कालिका माता के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं शांतिपनी आश्रम। अभी हम आए हैं शांतिपनी आश्रम, और शांतिपनी आश्रम के बारे में अंकल कुछ बताएंगे। जिस जगह भी अपन आए हैं, जगह का नाम इसका शांतिपनी आश्रम है। शांतिपनी आश्रम वो जगह जो किसी बदाम सुदामा ने यहाँ पढ़ाई करी, किसी बदाम सुदामा ने यहाँ 64 दिन तक पढ़ाई करी, 64 दिन में 64 कला 64 विद्या सीखी। उनका गुरु क्षेत्र था, गुरु का नाम था शांतिपनी जी, जगह का नाम शांतिपनी आश्रम। आप लोग सभी दूर घूमते, शिव का वहां नंदी होता, आप लोगों नंदी को हमेशा बैठा देखा है। यहाँ पे नंदी खड़ा हुआ क्यों खड़ा हुआ, जब बाबा महाकाल को मालूम पड़ती है कि अविंतिकापुरी के अंदर किसी बदाम सुदामा पढ़ने के लिए आए थे, बाबा महाकाल इनसे मिलने आते दोनों का हाथ मिलन होता, वहाँ पर नंदी खड़ा हो जाता। सभी दूर आपने एक चीज और देखी हुई, कृष्ण भगवान हमेशा सभी दूर खड़े रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण भगवान बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, उनके गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, ये यहाँ का इतिहास है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और अभी हम अपने इंतजार कर रहे हैं हमारी ट्रेन की, अवंतिका एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन नंबर है 12962, जो कि इंदौर जंक्शन से लेकर मुंबई सेंट्रल तक चलती है, पर हमारी जर्नी है उज्जैन जंक्शन से लेकर वापी तक, और हमारी ट्रेन आएगी 6:25 पे। और अभी हम हमारे D1 के कोच की तरफ जा रहे हैं। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।